था कि जोशी कंचनजंगा में पूर्णिमा के समय मेरी जयंती उस पर मैंने देखा था कि बाबा महावतार जी से, बाबा योगावतार जी से लोग एक बड़े वटवृक्ष के नीचे रात में आकर बैठते हैं, और जब वो आके बैठते हैं तो वहाँ ऐसी सुगंध आती है जैसे कभी उस सुगंध को आपने नहीं लिया, और वे वातावरण को करते हुए निर्णय करते हैं कि अगले वर्ष हमें क्या करना है। वो निर्णय लेकर हर पूर्णिमा के दिन इस संसार में अपने साधुओं के उस कृपा को बरसाते हैं। मुझे प्रभु जी सद्गुरुदेव से कहा, प्रभु आप कब मिलते हैं? तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन वहां मनाते हैं, उस जन्मदिन पर मैं वहां निश्चित रूप से आता ही। प्रभु आप दिखे या न दिखे, हमारे सारे साधकों की इच्छा है कि आपका दर्शन हमें हो और हम कांचनजंगा पधारे। इसलिए इस बार का गुरु जन्म दिवस हिमालय की उन तराइयों में कांचनजंगा के पास 19-21 अप्रैल को मना रहा हूं, और चाहता हूं कि आप सब लोग गुरु जी का दर्शन कर सके और गुरु कृपा को प्राप्त कर सके। ऐसी इच्छा रखता हुआ 19-21 अप्रैल को कांचनजंगा के पास शिविर मैंने रखा है। एक मनोकामना यह भी रखो कि हमें गुरु दर्शन हो और आपकी इच्छाएं सारी पूर्ण हो। यह एक छोटा सा यंत्र है, सफेद कागज पर आप ले लेना और उसका मंत्र एक माला करना। मैं यहाँ अभिषेक करके आने के बाद आपको दीक्षा दूंगा। आपको मुझे शंका समाधान में कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इच्छा, जो भी शंका है, आप वो मनोकामना पूर्ण होने के लिए बोल लो। जैसे वैसे तो चाहता हूं कि कोई नहीं पूछा कि मुझे आज तक प्रभु मेरे को दशमहाविद्या की सिद्धि दे दो या मेरे को कोई भगवान का दर्शन दे दो। हर एक आदमी ये पूछता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे को संतान नहीं हुआ, मेरी बीवी सताती है, मेरा बेटा सताता है, मेरा व्यापार होना चाहिए, और इसके लिए उतने बड़ी बड़ी साधनाएं करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक साधना, आपको व्यापार चलना हो, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, ऐसी जितने भी मनोकामनाएं हैं आप बोलकर इसके ऊपर मनोकामना लिख लो। अब मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जमीन बेचने के लिए भी तो गुरु चाहिए। गुरु मेरी जमीन नहीं बिक रही, अब गुरु क्या करें? जमीन तो आपको बेचने के लिए नहीं आता। अब गुरु जी बेटी को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, शादी नहीं जम रही, गुरु क्या करना चाहिए? बेटी को ढूंढ के लाना चाहिए। गुरु जी संतान नहीं हुई है, गुरु क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, दीक्षा देता हूँ ले ले। उनको तृप्ति तब तक नहीं होती जब तक गुरु कुछ नहीं कहता कि हाँ बेटा तुम्हें पुत्र होगा ही होगा। और गलती से उनके कहने पर नहीं हुआ तो गुरु जी के जान पर बढ़ जाए, गुरु जी आपने कहा पुत्र नहीं हुआ, वो कुछ कार्य नहीं करेगा, पुत्र होने के लिए गुरु जी को मांगेगा ही मांगेगा। व्यापार वृद्धि के बारे में, व्यापार गुरु जी मैंने व्यापार लगाया आपके कहने पर, व्यापार नहीं चल रहा है, अब गुरु जी के अगर गले पर बैठे, अरे प्रयत्न करते गुरु भी तो काम कर रहा है। इस तरह आपके प्रश्न कैसे होते हैं कि इन प्रश्नों को गुरु जी सर बहुत दर्द दे रहा है, अब क्या गुरु सर दबाएगा? वो भी तो गोली खाता है, तुम गोली खाए तो सर तो कम हो जाता है। नहीं नहीं, वो कहेंगे गुरु जी आप एक बार सर को पकड़ लो हमारे, यहां तक मेरे शिष्य हैं। वो फोन पे बात करेंगे रात के 12 बजे, क्या गुरु जी मेरी बच्ची बहुत रो रही है। अरे रो रही है, तेरे गांव में तो बैठा बच्ची रो रही है, तो मैं यहां से क्या करूं? नहीं गुरु जी आप कुछ करो, बच्ची को रोना। आप बच्ची को रोने के लिए भी गुरु जी को उपयोग करते हैं तो आप अध्यात्म में गुरु जी को कब उपयोग करेंगे? ऐसा होता ही नहीं, ऐसी चीजें मेरे पास आती। और मुझे दुख यह होता है कि मैं आखिर में एक व्यावहारिक गुरु बन गया हूं, अध्यात्म इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। और आपके शंका समाधानों में मैं हर बार सुनते हुए, हजार बार यही बातें सुनते हुए आता हूं कि बेटी की शादी घर में नहीं चल रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। आप आज ही नहीं, कोई भी पूर्णिमा को इस यंत्र को आप उतार कर एक माला जप करने के बाद इसे कोई इस कागज को बहते नदी में छोड़ दो, आपकी जो भी इच्छा 40 दिन के अंदर पूर्ण होगी। ऐसी साधना जो आपको अपने घर बैठ कर सकते हैं, ऐसी साधना आज दे रहा हूं, और ये साधना पूर्ण होने के बाद मैं आपको दीक्षा दूंगा। आपकी जो भी इच्छा है वो बोल लो। अभी इस पेपर का एक विधान कोकटे जी आपको मैं समझाएंगे, छोटा सा यंत्र है बना लेना, और नीचे एक मंत्र है उसकी एक माला करना। मंत्र का मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम मानस सिद्धि करी ह्रीम ओम नमः। आप शंका समाधान पूछने से पहले आपकी इच्छा जो भी बोल लो, या उस पेपर पर आपकी शंका समाधान आपकी इच्छा लिख लो और मेरे पास दीक्षा ले लो, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसके बाद मुझे शंका समाधान के लिए रोकेंगे नहीं और आपका काम पूर्ण हो जाएगा। आशीर्वाद देता हूँ, बोलो बोलो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कोकटे जी आगे का कार्य।